अक्सर जब आप IRCTC ऐप या फिर IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करते हैं, तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम सर्वर डाउन हो जाता है या सर्वर स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे सर्वर क्या होता है, सर्वर काम कैसे करता है और तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम सर्वर डाउन क्यों हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नंबर वन पे हम बात करते हैं सर्वर क्या होता है। सर्वर एक प्रोग्राम है या हार्डवेयर डिवाइस होता है जो दूसरे कंप्यूटर को डाटा देने का काम करता है। सर्वर कई प्रकार का होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फुल डिटेल्स में। सेकेंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं सर्वर काम कैसे करता है। मान लो आप लोगों को एक सॉन्ग है जिसे आपको सर्च करना है और आपको डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आप लोग YouTube पे सर्च करते हैं, इसके बाद वो सॉन्ग आपको दिखाया जाता है। ये सॉन्ग है कहीं ना कहीं अपलोड किया होता है सर्वर पे, यानी कि YouTube के सर्वर पे अपलोड किया होता है। इसी तरह से IRCTC का भी सर्वर होता है। तो जब आप YouTube पे सर्च करते हैं कोई सॉन्ग, तो सबसे पहले YouTube पे सर्च करते हैं, इसके बाद वो YouTube के सर्वर पे जाता है, रिडायरेक्ट करता है, इसके बाद वो सॉन्ग आप फिर से आप डाउनलोड कर लेते हैं। यानी कि घुमा फिरा के बात किया जाए तो सर्वर एक डाटा स्टोर का काम करता है। थर्ड नंबर में हम बात करते हैं सर्वर डाउन क्यों हो जाता है। दोस्तों अक्सर आप देखे होंगे जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम IRCTC मेंटेनेंस पे चला जाता है या फिर सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कई तरह के आपको एरर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप लोग तत्काल टिकट कंफर्म बुक नहीं कर पाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है? दोस्तों सर्वर एक डाटा स्टोर का काम करता है और उसका कैपेसिटी अपने लिमिट होता है। जैसे कि IRCTC के वेबसाइट पे हम लोग एक साथ काफ़ी लोग विजिट करते हैं लाखों में, इसकी वजह से सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है, जो कैशी के कैपेसिटी जितना होता है क्षमता उससे ज़्यादा लोग काफ़ी एक साथ विजिट करते हैं वेबसाइट पे, इसकी वजह से IRCTC के सर्वर डाउन हो जाता है और साइट जो है स्लो काम करने लगता है और कई तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मेन रीज़न यही है, IRCTC के वेबसाइट पे एक साथ काफ़ी लोग विजिट करते हैं जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाता है और सर्वर स्लो हो जाता है। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।